केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान वह फूट फूट कर रोने लगे। केंद्रीय मंत्री को इस तरह रोते देख सभी हैरान हो गए। हालांकि बाद में मंत्री जी ने खुद बताया कि वह क्यों रो रहे हैं और क्या कारण है कि वह दुखी हैं। तो आइए जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री किसके लिए फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सोमवार को पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। अचानक कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सभी पत्रकार भी सोचने लगे कि मंत्री जी को हुआ क्या। थोड़ी देर बाद खुद मंत्री जी ने बताया कि वह क्यों दुखी हैं। दरअसल अश्विनी चौबे ने बताया कि बक्सर में 92 दिनों से किसान अपनी जमीन के उचित मूल्य और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। अश्विनी चौबे के अनुसार परशुराम चौबे 4 दिनों से भूखे प्यासे अमरन अनशन पर बैठे थे। इसी बीच किसानों के समर्थन में और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के ऊपर किए गए कथित तौर पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश मार्च निकाला था। इसी दौरान बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी मूर्छित होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बता दें कि बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला था। ऐसा बताया जा रहा है कि भगत सिंह पार्क पहुंचने के कुछ वक्त बाद ही बीजेपी नेता मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही बीजेपी के नेता दुखी हो गए। परशुराम चतुर्वेदी की मौत की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों से बात करते करते रोने लगे। उन्होंने कहा कि परशुराम चतुर्वेदी ने किसानों के लिए बलिदान दी है, मन बहुत दुखी है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही अश्विनी चौबे ने पुलिस व अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि लोग मनमानी करते हैं। चौबे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्ता पक्ष के गुंडों की ओर से उन पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी, जिसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगे। बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के चौसा में करीब 10,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। स्थानीय किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर 5 दिन पहले विवाद भी हुआ था। किसानों ने आरोप लगाया था कि देर रात पुलिस घरों में घुसकर किसानों की पिटाई की थी। इसके बाद किसान सड़क पर उतर गए। इस दौरान किसानों ने पुलिस वैन में आग भी लगा दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसके बाद हालात और भी अधिक तनावपूर्ण हो गए। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक बार आप खुद देखिए कैसे रो रहे हैं अश्विनी चौबे। भूखे सुन कर पहले से दुखी था। और ये